हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका 2019 बहुत ही हेल्दी निकले और बहुत ही खुशियां मिले, आपके सारे सपने पूरे हो। तो इसी के साथ आज हम पहली 2019 की रेसिपी मैं स्टार्ट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि ये हेल्दी हो और आप सब लोग अपनी लाइफ बहुत ही हेल्दी तरीके से निकालें। अच्छा, रेजोल्यूशन की बात करें तो हर कोई चाहता है कि वो फिट दिखे, फाइन दिखे और एक कॉन्फिडेंस लेवल सब में हो। आज मैं आपको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की वैल्यू बताऊंगी। आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। इसके बहुत ही फायदे हैं फ्रेंड्स, कि अपने बच्चों को भी ज़रूर देना है। उससे उनकी मेमोरी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमारा भी और बच्चों का भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करोगे तो उससे वेट लॉस होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बढ़ता। अच्छा, उसके नुकसान क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो सबसे बड़ी बात, आप ओवर ईट करते हो। उसके बाद ओवर फैट वाली चीज़ें हम लोग खाते हैं, जिसमें कि हाई फैट होता है, हाई शुगर होता है। अच्छा, तो आपको खाना क्या चाहिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में? आइदर आप ब्रेड खाते हो तो आपको मल्टी ग्रेन या होल व्हीट ब्रेड वो खानी चाहिए। ग्रेन सीरियल्स होते हैं वो खाने चाहिए। दूसरी बात, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन के लिए आप लोग ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हो, नट्स खाइए बहुत सारे। आप बेटर है कि उसको रात को भिगो के सुबह खाए, तो बहुत ही फायदेमंद होगा। अच्छा फ्रेंड्स, हमें कितना खाना चाहिए? आप सोचते हो कि बस आप खाते जाओ जब तक कि हम लोग ओवरफ्लो नहीं हो जाते तब तक खाते रहेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। आपको उतना ही खाना चाहिए जितना कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। इनफैक्ट आप अपनी मनपसंद चीज़ें भी खा सकते हो, लिमिट में खाइए और एक गैप में, इंटरवल के बाद खाइए। फ्रेंड्स, हमारी एक्टिविटी पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप पूरे दिन में काम कितना करते हो, क्या करते हो। घर का काम करते हो, पूरे दिन काम करते हो, फिर भी आप सोचते हो कि यार व्हाई आई एम नॉट फिट, तो इसका भी एक रीज़न है। सिर्फ घर का काम करने से यू कांट इम्प्रूव योर सेल्फ। इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। अगर कुछ भी नहीं होता है तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक, वॉट एवर यू लाइक, आप उसको जरूर कंटिन्यू कीजिए। तो आई होप ये 2019 आपके लिए बहुत ही हेल्दी हो। तो आज हम अपनी रेसिपी पर आ जाते हैं। आज मैं इंस्टेंट रवा उत्तपम बनाने वाली हूँ और ये भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इससे हमें जो फायदे होने वाले हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जो रवा है वो हमारे शरीर में, एक तो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको तो खाना ही चाहिए, बहुत ही हेल्दी रहता है। दूसरी बात, ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है, ये हमारे डाइट को बैलेंस रखता है, सो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देता, और अगर कमी है तो उसको पूरी करता है। इसे रवा तो जरूर इंक्लूड कर लीजिए अपने डाइट में। एंड फ्रेंड्स, वेट लॉस तो होता ही है इससे, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट, इसको बनाते कैसे हो, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना रवा लिया है, उसमें 1 कप दही मिलाएंगे सेम क्वांटिटी, उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है और थोड़ा सा इनो 1/4 टेबलस्पून, और इसको एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। तब तक मैं कुछ वेजीज काट लूंगी। ये शिमला मिर्च ली है, उसको 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको एकदम अच्छे से बारीक चॉप करना है। आप चाहो तो चॉपर का यूज कर सकते हो, इसे एकदम बारीक कट जाएगी आपकी शिमला मिर्च। देखिए एकदम बारीक कट चुकी है। अब मैं 2 हरी मिर्च लूंगी और 1 गाजर लूंगी, एकदम बारीक काट लेंगे उसको भी हम। लुक एट दिस, ये 1 मैंने ऑनियन लिया है, उसको भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं सेंधा नमक, आप काला नमक भी बोल सकते हो उसे, वो मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया इस पर। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब 10 मिनट बाद हम अपने बैटर को देखेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/4 कप या फिर 1/2 कप जितना आप डाल सकते हो, और नमक मिला लेंगे उसमें। ये देखिए बैटर एकदम डोसे की तरह तैयार हो चुका है हमारा। यहाँ पर हमने प्री हीटेड पैन लिया है, जिस पर हमने बैटर को एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसे ही इसमें बबल्स आ जाते हैं, आप उस पर कुछ वेजीज स्प्रिंकल कर सकते हो। ये धनिया पत्ता भी हमने स्प्रिंकल किया है, ये लाल मिर्ची पाउडर और जीरा,
आप चाहो तो जीरा पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो और काली मिर्च भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो। आप इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको थोड़ा गर्म होने दीजिए और घी इसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए और 2 मिनट बाद आप इसको टर्न ओवर कर लीजिए और 2 मिनट तक और दोनों तरफ से पकने दीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है और हमारा इंस्टेंट रवा उत्तपम तैयार हो चुका है। आप अपनी फेवरेट वेजेस इसमें यूज कर सकते हो और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू।